केदार घाटी में मौसम का मिजाज फिर एक बार बदल गया है। केदारनाथ धाम में दो दिन से लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते यात्रा के लिए हो रही तैयारियां प्रभावित हो रही हैं। आपको बता दें कि 6 मई को बाबा केदार के कपाट खुलने हैं और उसी को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा है, लेकिन धाम के आसपास हो रही बर्फबारी के चलते तैयारियां प्रभावित हो रही हैं। तो लगातार दो दिन से बर्फबारी हो रही है, 6 मई से कपाट खुलने हैं, बर्फबारी से यात्रा की तैयारियां प्रभावित हो रही हैं। तो फिर मौसम का मिजाज बदला है केदारनाथ, और लगातार दो दिन से बर्फबारी की तस्वीरें सामने आ ही रही हैं। अहम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं, लगातार दो दिन से हो रही बर्फबारी से प्रभावित हो रही हैं तैयारियां। संवाददाता पुष्कर नेगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। पुष्कर, आपसे हम जानेंगे, दो दिन से लगातार बर्फबारी हो रही है, क्या कुछ तस्वीरें, क्योंकि तैयारियां प्रभावित हो रही लगातार। हाँ बिल्कुल, देखिए कोमल, मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस तरह से मौसम विभाग ने जो अलर्ट किया था उसका सीधा सीधा असर, चाहे ऊंचाई वाले क्षेत्र जो हमारे हैं, चाहे जनपद चमोली हो या रुद्रप्रयाग हो या तमाम सारे जो भी इलाके हों, यहाँ पे दो दिन से बारिश और बर्फबारी होती। हालांकि अगर जनपद रुद्रप्रयाग की अगर बात करी जाए, क्योंकि यहाँ पे केदारनाथ भगवान जी के कपाट जो है 6 मई को यहाँ पे खुलने हैं और यहाँ का प्रशासन जो है लगातार जो है सड़कों को दुरुस्त करने में, चाहे जो पैदल मार्ग हो दुरुस्त करने में यहाँ पे लगा हुआ है। हालांकि लगातार जिस तरह से जो दो दिन से जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी हो रही है, तो केदारनाथ की अगर बात करी जाए कोमल, तो केदारनाथ में पिछले दो दिनों से लगातार, क्योंकि ऊंचाई वाला क्षेत्र है, यहाँ पे जो है एसडीआरएफ और जो संबंधित विभाग जो कार्यदायी संस्था यहाँ पे जो काम करती है, उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ा। क्योंकि कल से और जो दो दिन का जो अलर्ट था, क्योंकि आज की अगर बात कर जाए कोमल, तो आज जरा सतर्क धूप खिली हुई है। हालांकि पिछले दो दिनों की अगर मैं बात करूँ, तो पिछले दो दिनों यहाँ पर लगातार जो है बारिश हुई थी और बर्फबारी हुई थी। हालांकि जो कार्य यहाँ पे किया जा रहा है, क्योंकि इस समय जो है जो यात्रा चलेगी, उस यात्रा को लेकर चाहे स्थानीय प्रशासन हो, चाहे आपका जो है एसडीआरएफ हो या जो कार्यदायी संस्था जो केदारनाथ में काम करती है, तो उनको जो है भारी दिक्कतों का सामना तो करना पड़ा। लेकिन हाँ, हालांकि आज जो है मौसम साफ है, तथा धूप खिली हुई है, तो आज की जो कार्य जो कार्य करेंगे, क्योंकि यहाँ पे विद्युत की लाइनें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, और पानी की जो पेज है लाइनें जो है क्षतिग्रस्त हो जाती है, इनको जोड़ने का या इनको लगाने का काम जो है प्रशासन यहाँ पे कर रहा है। हालांकि जिला अधिकारी रुद्रप्रयाग जो अनुप गोयल जो है यहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगातार जिस तरह से जो बर्फबारी हो रही है, उससे यहाँ से जो काम करने में जो इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हालांकि आज मौसम इस समय साफ देखने को मिल रहा है कोमल। चलिए, बहुत शुक्रिया ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो लगातार दो दिनों से बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी से यात्रा की तैयारियां प्रभावित हो रही हैं। बता दें 6 मई से कपाट खुलने हैं और उससे पहले जो तैयारियां, उन पर प्रभाव पड़ रहा है लगातार हो रही बर्फबारी से। दो दिन से लगातार बर्फबारी हो रही है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।